जाग जाओ यार, जाग जाओ, अच्छे रहोगे। जब तक ये जब ये तुम्हारे घर में आ जाएगा ना ये प्रॉब्लम, जब फिर तुम्हारे साथ भी कोई नहीं खड़ेगा। अगर तुम किसी के साथ नहीं खड़ोगे ना, जो तुम ये जो बने बैठे ना यूट्यूबर, अपने आप को बोलते हैं सब एक अच्छी बात है। हमारे बर्तन लग रखते हैं हम, ये सब रेडी या दुकान में है, ठेले पर खाना नहीं खा सकते, चीज नहीं खा सकते, उनके बर्तनों में हम वापसी पर हैं जी। कुछ बातें चल रही हैं, एक समुदाय बोलेगा हमारे खिलाफ है, खिलाफ नहीं, हम झूठ के खिलाफ हैं जी। हाँ बात सीरियस मैटर पे चल रही है, मैं कवर नहीं करना चाहूंगा। हाँ चाहे आपको बुरा लगे, आपको भी पता है क्या गलत है क्या सही है, उनकी बात कर रहे हैं ना। सम्राट गौर, सम्राट भाई, क्या हो रहा है उसके साथ पता है ना, कोई नहीं करता। जाग जाओ यार, जाग जाओ, अच्छे रहोगे। जब तक ये जब ये तुम्हारे घर में आ जाएगा ना ये प्रॉब्लम, जब फिर तुम्हारे साथ भी कोई नहीं खड़ेगा। अगर तुम किसी के साथ नहीं खड़ोगे ना, जब तुम्हारे घर पर तक घर में ये प्रॉब्लम आएगी ना, तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, याद रखियो ये बात। इतिहास गवाह, राइट यार। ये जो बने बैठे ना यूट्यूबर, अपने आप को बोलते हैं सब एक अच्छी बात है, पर जब कोई गलत चीज होती है बोलते क्यों नहीं, पता क्यों? इनके व्यू कम हो जाएंगे, व्यूज कम हो जाएंगे। तब जब हम 2019 से हम 8-10 यूट्यूबर बोलते थे, पाकिस्तान यूट्यूबर का जवाब देते थे, अच्छा ये क्यों नहीं दे सकते थे? एक आध वीडियो लक्ष्य ने बनाई थी, एक आध वीडियो एलविश ने बनाई थी, इन पर दूसरों ने क्यों नहीं बोले? क्योंकि पता है इनके खिलाफ बोलेंगे तो पाकिस्तानी खिलाफ बोलेंगे तो पाकिस्तान से व्यू सारे बंद हो जाएंगे, पैसे कमाएंगे। तुम लोग बेच चुके हो ऐसे यूट्यूब को, बोलना चाहूंगा, बड़े बड़े हैं, मैं नाम नहीं लेना, नाम भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, ये कैरी मिनाटी, थगेश और भी बहुत बहुत हैं, कोई नहीं बोला अच्छी तरह से जैसे बोलना चाहिए था, क्योंकि व्यू कम आएंगे, पैसे कम आएंगे, इसका मतलब आप अपना ईमान बेच चुके हो, बिक चुका है आपका ईमान। अच्छे नोट पर शुरू किया था व्लॉग मैंने, बात यहाँ तक आ गई, दिमाग खराब हो गया जब बिके, और लोग भी इनको सपोर्ट करेंगे। एलविश ने बोला था ना भी इसके व्यूज क्यों कम आए थे, मैं कोई एलविश का कोई फैन फूल नहीं हूँ, हाँ बोलो तो उसने बोला था, तब उसके व्यूज कम होने लग गए थे, उसको गालियाँ पड़ने लग गई थी, कोई नहीं बोला नहीं जाके तुम्हारे घर तक आगे ना तब तुम्हारी फटेगी, याद रखना ये बात। वहाँ पर ना पाकिस्तान च एक बंदा वा हिंदू व्लॉग बनाता वा, गरीब आ, वो जो दसदा वो सफ़र करता है ना, जब वो सफ़र करता है ना तो वो बताता है बीबी ये हमारे बर्तन लग रखते हैं हम, ये सब रेडी या दुकान में है, ठेले पर खाना नहीं खा सकते, चीज़ नहीं खा सकते, उनके बर्तनों में हमारे लग होते हैं, हमने ही धोकर रखने हैं बाद में। वो पाकिस्तान से ये हाल है, ये तो कोई बोलूगा नहीं बोलूगा, व्यू कम हो जाएगा, पाकिस्तान से व्यू कमाने लग जाएंगे, यूट्यूबर कोई बोलू नहीं बोलू, पाकिस्तान से व्यू नहीं आएंगे, पैसे कमाएंगे, इसका मतलब आप अपना ईमान बेच चुके हो यूट्यूबर्स, अपना बेच चुके हो आप लोग ईमान। आ गया ये अपनी गली में, पहले मैं उस शहर से आता हूँ, जब जिम से आता हूँ ना दूसरी शहर से आता हूँ, अब इस शहर से आया हूँ, पहले मैं 16.5 नंबर गली की तरफ से आता हूँ, मैं 16 नंबर गली की तरफ से आता हूँ। ये होगी थी बात, गाड़ी में बातें कर रहे थे, गुस्सा आ गया, पर सही बात पे आया गुस्सा, पर कोई बोलेगा नहीं इस पर।